संक्रमितों की क्या स्थिति रहेगी, आइए जानते हैं इंदौर के स्वास्थ्य अधिकारी प्रवीण जड़िया जी से। की जाए तो स्वास्थ्य विभाग आगे की कैसे रणनीति बनाए? आगे की जो रणनीति है उसमें मूलतः 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक एक किल कोरोना नाम से एक सर्वे अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें समस्त पूरी जनसंख्या को हमें कवर करना है और वो जाकर ये देखेंगे कि किसी भी सर्दी खांसी बुखार की कोई तकलीफ तो नहीं है। यदि ये पाई जाती है तो उनका कंफर्मेशन ANM के द्वारा होगा और उसको फिर RRT टीम जो भी उचित उसका एक्शन लेना होगा वो लेगा। इस तरह से पूरी चेन एक बनी हुई है और 15 दिनों में हम पूरे जिले का सर्वेक्षण पूरा कर लेंगे। सर, बात की जाए कोरोना की तो पेशेंट कम होते जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि अपन इस जंग में? निश्चित तौर पर ये सुधार की तरफ हम लोग जा रहे हैं और अभी और भी जो बच्चों के केस हो या ऐसे कुछ केस हो जो स्वयं बाहर ना आ पाए हों, ऐसे लोगों को भी हम ढूंढने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। मूलतः फीवर क्लिनिक और RRT इन सब की वजह से हमारे काफ़ी मरीज हमारे पास निकले हैं और इस वजह से अब पब्लिक भी जागरूक है और स्वयं भी आगे आ रही है, इस वजह से निरंतर केसेस अभी सुधार। सर, अभी कोरोना इंदौर में नियंत्रण है क्या? बाहर बिल्कुल माना जाएगा कि नियंत्रित अवस्था में। सर, प्रिंटेड मास्क मार्केट में बिक रहे हैं तो कितने हानिकारक हो सकते हैं? देखिए, अगर जो गुणवत्ता बताई जा रही है यदि उससे कम गुणवत्ता की कोई फैब्रिक के या वो पाए जाते हैं ऐसे जिनमें से कीटाणु विषाणु अंदर जा सकते हैं, ऐसी किसी भी मास्क को हम सर्टिफाई नहीं कर सकते। और जो अभी फैशन सी आ गई कि ठेलों के और छोटी छोटी दुकानों में भी मास्क मिलने लगे, इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए मैंने कलेक्टर महोदय से चर्चा की, शीघ्र ही इसके ऊपर। सर, खुलेआम मास्क बिक रहे हैं बिना पॉलिथीन पैक के, ग्लव्स भी ऐसे खुले बिकते नजर आ रहे हैं जी, इस पर हम ये हमारे संज्ञान में है और हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। सर, आप इंदौर की पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज बिल्कुल साफ है, डरना नहीं है और इसकी सावधानी बरतना है मूलतः, और 2-3 चीज़ों पर ध्यान रखना है। पहली चीज़ है सोशल डिस्टेंसिंग रखें, किसी भी स्थिति में ये ना सोचे कि लॉकडाउन खत्म हो गया तो सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत नहीं है, ये हमें अपनी आदत में डालना होगा। दूसरी चीज़ ये है कि बाहर कहीं भी निकले या घर में रहें, संभावित कोई हो तो मास्क जरूर लगाएं। और तीसरी चीज़ ये है कि एक निश्चित अंतराल के बाद अपने हाथ साबुन और पानी से अच्छी तरह से धोते रहें। यदि बाहर कहीं ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर हाथ धोने की सुविधा नहीं है, वहाँ पर आप सैनिटाइज़र का उपयोग करें। सर, मास्क की बात की जाए तो मास्क कौन से ठीक रहेंगे? सामान्य लोगों के लिए जो फैब्रिक के मास्क रहते हैं उसमें एक माइक्रो हेमोग्लोबिन तय किया है, अगर उससे कम माइक्रोन के पाए जाते हैं तो वो हानिकारक है। तो बाकी ऐसे लोग जो हेल्थ केयर वर्कर हैं या डायरेक्ट मरीज के संपर्क में रहते हैं, इन लोगों के लिए ट्रिपल लेयर मास्क जो मैंने लगा रखा है ये पर्याप्त है। सर, मेडिकल स्टोरों पे वही मास्क ज़्यादा रेट में मिल रहे हैं और ठेलों पर कम रेट में मिल रहे हैं, तो पब्लिक का ज़्यादा? निश्चित तौर पे, इसीलिए हमने आपको बोला कि ये ठेले और छोटी दुकानों में इस तरह से मिल रहे हैं, इनकी हम पूरी जांच कराएंगे, इनकी गुणवत्ता देखेंगे और वो किस तरह से इतना बेच रहे हैं या कम रेट में बेच रहे हैं, क्या वजह है वो हम पता लगाएंगे। सर, ये मेडिकल स्टोर की भी क्या? मेडिकल स्टोर के बारे में पहले ही जो हमारे औषधि निरीक्षक हैं उनको बताया गया है, उनसे कहा गया है कि उन्हें और निश्चित अंतराल पर वो गुणवत्ता की जाँच करते रहे। Thank you, sir.